कितनी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आता है या कोई नेता आता है तो बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, कार्यकर्ताओं में बेहद गजब का उत्साह देखने को मिलता है। अब ऐसे में जब भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच में लंबे समय तक रहे हैं, अभी मौजूदा वो पंचायती राज मंत्री भी हैं, और ऐसे में आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और वो पहली बार लखनऊ आ रहे हैं, तो एक जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ा हुआ है और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, और ये सिलसिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जारी रहेगा। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं और एक एक करके सभी जगहों पे पंडाल पे स्वागत किया जाएगा, बहुत सारे पंडाल जो है वो लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी कि कितना बड़ा हुजूम भाजपा कार्यालय पे जो है वो आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि लंबा एक हुजूम है जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनका अब यह इसी पंडाल पे स्वागत किया जाएगा। और अब ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो अब ये सब तस्वीरें अब यहाँ से नजर आ रही होंगी। उनका रथ भूपेंद्र चौधरी का, हालांकि धीरे धीरे पेड़ की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो धीमे चलता नजर आ रहा है, पेड़ रास्ते में एक आ गया है, उसमें तमाम नेता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और उनका रथ जब यहाँ पे आएगा तो उनका उसका रथ पे बैठे हुए नेताओं का स्वागत किया जाएगा, भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया जाएगा। हम अपने कैमरामैन श्रवण से कहेंगे कि ये तस्वीरें कुछ दिखाएं जो भूपेंद्र चौधरी रथ पे सवार हैं, तो उनकी तस्वीरें दिखाएं। तो ये तस्वीरें आपको स्पष्ट नज़र आ रही होंगे कि किस तरह से सारे नेता यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, और एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब भूपेंद्र चौधरी कमान संभालेंगे तो अब उनके सामने अभी हाल में दो चुनौतियां होंगी, एक तो वो निकाय चुनाव उनको लड़ाने हैं और दूसरा वो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फतेह हासिल करनी है। तो ये तस्वीरें जो बयान कर रही हैं, भीड़ बयान कर रही है, वो इस बात का एक संकेत भी है कि भूपेंद्र चौधरी के जो अध्यक्ष बनने से जो कार्यकर्ता है उसमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी उनके बीच के नेता हैं, पश्चिम के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं, पश्चिम के नेताओं में भी काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र का कोई जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना है इस बार। ये तस्वीरें अब वो नज़र आ रही होंगी किस तरह से भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ तमाम नेताओं का स्वागत जो है वो किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तमाम नेता आए हुए हैं, तस्वीरें जो है वो साफ नज़र आ रही होंगी। आप लोगों को किस तरह से क्या कुछ पूरे रास्ते होना है, कैसे स्वागत होना है, और उसके बाद ये पूरा काफिला भाजपा कार्यालय की तरफ जो है वो रवाना हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा क्षण है जब आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुँचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए तमाम लोग जमा हुए हैं। हेलो, बिल्कुल सीमाब, मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आप और भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करिएगा, लेकिन ये सीधी तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव आपने ऐसा फ्रेम बनाया है इस भीड़ के बीच, वाकई में मैं आपके काम की सराहना करता हूँ सीमाब। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो रथ जब चल रहा था, जब दोनों डिप्टी सीएम के बीच में भूपेंद्र सिंह चौधरी जब आ रहे थे, ये देखिए ये फ्रेम है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ये वही फ्रेम, ये वही तस्वीरें अब देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सिर्फ और सिर्फ आप भारत समाचार पर सुपर एक्सक्लूसिव फ्रेम ये देखिए, अभिवादन करते हुए
आत्मविश्वास से लबरेज, एक तरफ कितना ये क्षण है, हर इस पल को शख्स जो वहां पर है कार्यकर्ता कि अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है कि एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीच में अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक संदेशा जाएगा कि जिस संगठन को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है और सबसे बड़ी बात कि अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के चलना है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए रथ कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोग उसे मिलते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए बताने के लिए काफी हैं कि और लोगों के हाथों में बीजेपी का ये झंडा है और सुबह से ही लोग पहुंचे हैं और अब पहुंचना कहां, एक तरफ बीजेपी कार्यालय में भी, वहां पर भी इस तरीके से लगातार जो लोगों में उत्साह जरा भी कम नहीं है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें देखिए, ये तरीके रथ धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है और अभी बीच बीच में देखिए वहां से अभी कैंपस से ही नहीं निकला है, अभी चार बाग में ही है, अभी देखिए अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, अभी छोटी लाइन से जब उतरा है फिर उसके बाद अभी देखिए कैंपस में ही है और अभी धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते सोचिए कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो और वो किसी से भी देखिए सबसे मिल भी रहे हैं और उन्होंने खुद भी फूलमाला जो पहनाई, लोगों ने उनको शॉल उड़ाई, उस तरीके से स्वागत भी करवा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे और चेहरे पर भी उनके जो भाव है किस तरीके से। और इससे पहले डिप्टी सीएम भी देखिए पसीने से पूरी तरीके से पसीना पोंछते हुए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब उनके डिप्टी सीएम दोनों स्वागत के लिए पहुंचे हैं। गर्मी भी हो रही है, पारा भी किस तरीके से चिचलाती धूप के बीच में, हालांकि आज थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा बाहर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो भीड़ है वहां पर उसको देखते हुए दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे। और इससे पहले स्वागत के लिए जगह जगह पर मंच बने, भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ फिलहाल पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब तमाम सारे सवाल कि अब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखिए अब ये चारबाग रेलवे स्टेशन आपको अपना स्टेशन ध्यान आ रहा है, देखिए आपकी अभी भी ये तस्वीरें देखिए और लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीमाब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब मैं जरा आपके पास आ रहा हूं, अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत भूपेंद्र चौधरी का और यह स्वागत लगातार जारी है। अब लगता है सीमाब मुझे सीमाब को सुनेंगे, लगता है सीमाब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कुछ सीमाब वहां पर मौजूद हैं। जिस जनता पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जिसमें काफिला साफ तौर पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे भूपेंद्र चौधरी जो है वो सवार है रथ पे और धीरे धीरे जो है वो काफिला उनका बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी भूपेंद्र चौधरी के रथ के साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। और फिलहाल तमाम नेता जो है वो वहाँ पे मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो एक ये बड़ा चैलेंज है, आज भूपेंद्र चौधरी यहाँ से जब पहुँचेंगे तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे, वो प्रतिमाओं में माल्यार्पण करेंगे और एक ये बड़ा हुजूम रास्ते भर देखने को मिलेगा, कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा जफरी, भारत समाचार लखनऊ। तो चार बाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, देखिए एक तरफ जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भीड़ के बीच ये चार बाग रेलवे स्टेशन भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ आते ही जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता है, चार बाग रेलवे स्टेशन, तो वहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रदेश के